यह है मिसेस अचला, घर के एक एक काम पर पूरी नजर रखती हैं। और अब लगता है कुछ देर आराम करने का वक्त आ गया है। चलो सारा काम निपट गया। विमला, विमला। हाँ मैडम। गमले में पानी दिया? हाँ। ड्राइंग रूम साफ किया? हाँ। अच्छा चल जा, किताब लेके आ, मैं तुझे पढ़ाती हूँ। मैं पहले से ही लाई हूँ, मेरे को मालूम था आप पढ़ाएंगे। अच्छा, काफी होशियार हो गई है। चल बैठ जा। हाँ। कल हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ। यहाँ। अच्छा, मैं तुझे आगे से पढ़ाती हूँ। शाबाश अशला जी, आपने इन्हें पढ़ाने का जो जिम्मा लिया है वो घर के आपके सारे कामों से बढ़कर काम है। थैंक यू शक्तिमान। दोस्तों, अगर हमारे देश की तीन सबसे बड़ी समस्याओं का नाम लिया जाए तो अशिक्षा का नाम सबसे ऊपर आता है। दूसरी समस्या है देश की बढ़ती हुई आबादी, और तीसरी समस्या है देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार जो देश को खोखला बनाता जा रहा है। दोस्तों, आज भी आपको अपने इर्द गिर्द कई अशिक्षित व्यक्ति नजर आएंगे। इसका कारण हो सकता है उनके पास पर्याप्त साधनों का ना होना, या फिर उनमें उपयुक्त जागरूकता का ना होना हो। अशिक्षा कई अवगुणों की जड़ होती है। दोस्तों, आज अगर हमारे देहातों में छोटा परिवार सुखी परिवार ये मंत्र अगर लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण अशिक्षा ही है। दोस्तों, देश में बढ़ता हुआ अंधविश्वास का कारण भी अशिक्षा ही है। दोस्तों, बेरोजगारी का कारण भी अशिक्षा ही है। दोस्तों, हमारा देश इतना महान होते हुए भी अगर आज दूसरे देशों की तुलना में पिछड़ रहा है तो उसका कारण भी अशिक्षा ही है। दोस्तों, जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है दोस्तों, तो न सिर्फ वो अपने कर्तव्यों को समझने लगता है, वो अपने अधिकारों को भी समझने लग जाता है। क्या आप जानते हैं हमारे देश में अभी भी बंधुआ मजदूर की प्रथा चली आ रही है? छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी कराई जाती है। उसका कारण आप जानते हैं दोस्तों? चंद वर्ग समाज का अभी भी उन्हें पढ़ने लिखने नहीं देना चाहता, उन्हें अशिक्षित बनाए रखने में ही अपना फायदा नजर आता है। हमें इस प्रथा को समाप्त करना चाहिए, उन्हें शिक्षित बनाना चाहिए। अगर हमारे देश का हर व्यक्ति शिक्षित हो जाए तो हमारा ये देश फिर से पूरे विश्व में सुपर पावर बनकर उभर सकता है। और इसके लिए जरूरी नहीं कि सरकार ही सब कुछ करे, हर व्यक्ति इसमें अपना अपना योगदान दे सकता है। दोस्तों, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें दोस्तों, तो आपको कई व्यक्ति जैसे कि आपके नौकर चाकर या उनके बीवी बच्चे नजर आएंगे जो अशिक्षित होंगे। आप अगर चाहें तो अपने खाली समय में उन्हें पढ़ा लिखा कर शिक्षित बना सकते हैं दोस्तों। और विचार करें कि अगर हर एक शिक्षित व्यक्ति एक या दो लोगों को पढ़ाए तो कितनी जल्दी हमारे देश से अशिक्षा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और हमारा आने वाला कल का भविष्य सुधर जाएगा। दोस्तों, इसीलिए प्रण लीजिए, अपने सामाजिक कर्तव्य को समझिए और हो सके तो मिलजुल कर देश के हर वासी को शिक्षा प्रदान करें। आने वाला कल आपका ऋणी होगा। और जिस तरह से आप शक्तिमान को कहते हैं थैंक यू शक्तिमान, आने वाला कल आपसे भी कहेगा थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। ये हैं रानी और गुड़िया, ज्योति की छोटी बहनें। सभी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हैं। इधर आओ, इसे उठाओ। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें पता नहीं है कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए? अब जाओ उसे डस्टबिन में फेंक कर आओ। शाबाश ज्योति, तुम वाकई एक बड़ी बहन होने का फर्ज निभा रही हो। थैंक यू शक्तिमान। दोस्तों, अपने छोटे भाई बहनों का मार्गदर्शन करना तुम्हारा अपना फर्ज है। मनुष्य उम्र के साथ धीरे धीरे बहुत कुछ सीखता चला जाता है दोस्तों, इसलिए जाहिर है कि तुम अपने छोटे भाई बहनों से ज्यादा समझदार होंगे, क्योंकि तुम्हारा अनुभव हर चीज के बारे में उनसे ज्यादा होगा। क्या सही है क्या गलत है इस बात का अनुमान
उनसे तुम्हें ज्यादा ही होगा। इसलिए जब कभी भी तुम अपने किसी छोटे भाई बहन को कोई गलती करते हुए देखो तो प्यार से उन्हें टोको और उन्हें समझाओ कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। क्या सही है क्या गलत है ये बात उन्हें प्यार से समझाओ और फिर तुम देखोगे कि आगे चलकर वो तुम्हारी तरह एक अच्छे इंसान बने।